हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका। अजय मिश्रा बात करेंगे कोरोना महामारी की। इस महामारी के काले बादल, ये संकट देश के ऊपर से छटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बीते कल थोड़ी उम्मीद जगी थी कि शायद अब सुधार हो जाएगा, क्योंकि मामलों में कमी आई थी, लेकिन आज फिर मामलों में एकाएक उछाल आया। रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना का संकट अपना विकराल रूप दिखा रहा है। हर रोज देश भर में रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से कोरोना को लॉक करने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन हर रोज कोरोना के नए आंकड़े चिंता का विषय बन गए हैं। एक और बेकाबू कोरोना की रफ्तार, तो दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों से अस्पतालों में बेड्स की कमी की बात सामने आ रही है। देश में इस वक्त हालात बद से बदतर हो गए हैं। देश में कोरोना के रोजाना के मामलों में हल्की गिरावट के बाद फिर तेज वृद्धि दर्ज की गई है। देश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि मंगलवार को 3,60,960 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, जबकि 3,293 मरीजों की मौत हो गई। हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार बरकरार है। बीते 24 घंटे में 11,931 नए मरीजों की पहचान हुई। एक दिन में कोरोना से प्रदेश में 84 लोगों ने जान गंवाई। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि प्रदेश के ताजा आंकड़े क्या हैं। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटे में 11,931 नए मरीजों की पुष्टि। गुरुग्राम में 3,684, फरीदाबाद में 1,330, सोनीपत में 940, करनाल में 725, हिसार में 642, सिरसा में 621 नए मामले, पानीपत में 564, जींद में 561 नए मामले, अंबाला में 332, कैथल में 325 नए केस, यमुनानगर में 315, रोहतक में 313। एक दिन में कोरोना से 84 लोगों ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 3,926 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कुल मरीज 4,47,754, एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 84,000 के पार। एक दिन में 7,184 मरीजों ने कोरोना को दी मात। अब तक 3,59,000 से ज्यादा मरीज ठीक। वहीं देश भर में 1 मई से कोरोना टीकाकरण का अगला चरण शुरू होने जा रहा है। शनिवार से 18 साल से 44 साल के लोग भी कोरोना का टीका लगवा सकेंगे। 18 से 40 वर्ष की उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। सरकार ने साफ किया है कि इन लोगों को वॉक इन यानी सीधा टीका केंद्रों पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा नहीं मिलेगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोविन पोर्टल या फिर आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही मान्य किया गया है। बता दें कि देश में 16 जनवरी से टीकाकरण की शुरुआत हुई है, जिसके बाद से लेकर अभी तक कुल 14,77,00,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मंगलवार रात 8 बजे तक कुल 14,77,27,054 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। ऑक्सीजन की किल्लत अब जानलेवा बन रही है। जिस ऑक्सीजन पर लोगों की जिंदगी की आस टिकी हुई है, उसी की किल्लत से कोरोना मरीज जूझ रहे हैं। लोग चीख चिल्ला रहे हैं कि उनके अपनों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए। अस्पताल प्रशासन लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने की गुहार कर रहा है, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर हालात कब काबू में आएंगे? क्या सियासत से उठकर कोरोना पर कंट्रोल किया जाएगा? आखिर कब लोगों को अस्पताल में ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। महामारी का ये संकट कब टलेगा? बहुत ज्यादा हो गया, लोग परेशान हो गए हैं। कईयों ने तो स्वतः लॉकडाउन लगा दिया है। उपाय क्या है, कैसे जाने बचाई जाए? प्रशासनिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, सरकारी तौर पर, आइए इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिता शेट्टी जुड़ गई हैं। आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं, बहुत स्वागत है आपका। सिरसा से ज्यादा अपडेट लिए हमारे संवाददाता अमित तिवाड़ी हाजिर हैं।
डॉक्टर नीता, मैं आपके पास आ रही हूँ, जरा अपडेट ले लूँ अमित तिवारी से। जान लेते हैं कि सिरसा में क्या हालात हैं कोरोना महामारी को लेकर, सुधार की दिशा में हम जा रहे हैं क्या अमित, या अभी भी संकट के बादल छटे नहीं हैं? जी अनामिका, अगर बात करें पूरे हरियाणा और पूरे देश की तरह ही सिरसा में भी लगातार हालात जो हैं वो खराब होते जा रहे हैं। कल की अगर बात करें तो 721 नए मामले आए थे सामने और 6 मौतें हुई थी, तो ऐसे में आंकड़ा भी यहां बढ़कर 156 का हो गया है मौतों का, तो ऐसे में बड़ी चिंताजनक स्थिति है। धारा 144 लागू कर दी गई है पूरे प्रदेश की तरह, सिरसा में भी आदेश जारी हो गए हैं और सभी जिम, स्विमिंग पूल और जो तमाम क्लब हैं उन्हें बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। बावजूद इसके कोरोना की रफ्तार जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो वैक्सीनेशन की भी जो है वो कमी आई है। कल ही 2000 की जो डोज थी संख्या में वो मंगवाई गई थी, लेकिन वो 2 घंटे में ही खत्म हो गई। ऐसे में जागरूकता भी बढ़ रही है और कोरोना की खतरा बढ़ रहा है उससे लोगों में जागरूकता है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवा लिया जाए। अभी भी 5000 डोज आज आएंगी, ऐसी संभावित है कि जल्द पहुंच जाएगी और उसके बाद जो है और लोगों का वैक्सीनेशन होगा। तमाम तरह की दिक्कतें हैं और साथ ही साथ रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसी को लेकर भी समस्या आई है, वो सिरसा जिला में अभी कहीं नहीं है फिलहाल, ऐसी हालत है और उच्च अधिकारियों के पूरा मामला संज्ञान में है। देखने वाली बात होगी कि इस बिगड़े हालातों में, हालांकि प्रशासन जो है लगातार प्रयासरत है, सिरसा में 5 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं ताकि कोरोना की चेन जो है वो तोड़ी जा सके। उपाय हैं, प्रशासनिक उपाय हैं, लोगों को समझना होगा, 4 से ज्यादा के खड़े एकत्रित एक जगह इकट्ठे होने पर रोक होती है, धारा 144 लागू हो जाती है, लेकिन बाजारों में अभी भी भीड़ है। मास्क का प्रॉपर जो प्रयोग अभी नहीं कर पा रहे लोग, तमाम तरह की दिक्कतें अनामिका, तो ऐसे में हालात अभी नियंत्रण में आते दिखाई नहीं दे रहे हैं और कोरोना की रफ्तार थमती दिखाई नहीं दे रही है। अनामिका मैं लौट रही हूं अमित आपके पास, हमारे साथ डॉक्टर अनीता भी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। कैसे इस वक्त हम लोग जूझ रहे हैं, कितने तैयार हैं, आने वाले दिनों में केसेस हम और बढ़ते हुए ही देख रहे हैं। आज देख लीजिए, बीते कल के मुकाबले आज आंकड़ा एकदम से उछल कर सामने आया। क्या हम कोरोना से लड़ पा रहे हैं, क्या ऑक्सीजन ही एकमात्र वो किल्लत है जो हम झेल रहे हैं, डॉक्टर अनीता? हाँ जी अनामिका, हाँ जी, सिचुएशन तो बहुत ज्यादा गंभीर है गुड़गांव, हरियाणा और पूरे देश में। तो इसमें एक दो चीजें मैं आपके लिए हाईलाइट करना चाहती हूँ। नंबर वन, ये जो वेरिएंट है जिसको हम डील कर रहे हैं, ये पिछले वेरिएंट से बिल्कुल डिफरेंट है और इसीलिए ये हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। नंबर वन, ये बहुत ज्यादा कंटेजियस है। पहले हम कहते थे कि 15-20 मिनट आपका एक्सपोजर हो तो आपको कोरोना हो सकता है, अब हमें लग रहा है कि 5 मिनट के एक्सपोजर में ही, चाहे आपने मास्क भी पहना हो, 5 मिनट के एक्सपोजर में आपको हो सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है और इसके लिए हम सबको मास्किंग, डबल मास्किंग, तो जो हम क्लॉथ मास्क बता रहे थे लोगों को कि क्लॉथ मास्क भी सफिशिएंट है, ये काफी नहीं है। जब भी आप क्राउडेड प्लेसेस या आपके घर में कोई केस है, आपको डबल मास्क पहनना है या N95 मास्क पहनना है। डबल मास्क में क्लॉथ मास्क प्लस सर्जिकल डिस्पोजेबल मास्क, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोग अव्वल तो लॉकडाउन है और लोग ज्यादा नहीं निकल रहे हैं, मगर जैसे आप वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली आपको डबल मास्क या N95 मास्क पहनना है और उसको बिल्कुल नहीं उतारना है। जिनके घर में कोरोना पेशेंट है, हमने देखा है कि एक को हो जाता है तो पूरे घर को हो जाता है। तो जिनके घर में सस्पेक्ट भी है, आपको थोड़ा फीवर है, कॉफ कोल्ड है, सस्पेक्ट भी है, आप इमीडिएटली आइसोलेट करिए और घर के बाकी सारे लोग डबल मास्क पहनेंगे। तो ये नंबर वन पॉइंट है कि ये बहुत ज्यादा कंटेजियस है और इसको अगर हमें रोकना है तो हमें इन्फेक्शन को रोकना है, ठीक है, ये नंबर वन। नंबर टू, इसके सिम्टम्स जो है ये बहुत डिफरेंट है। पहले माइल्ड फीवर, कॉफ कोल्ड होता था, बट अभी हम देख रहे हैं पेशेंट्स को फीवर पर ऑलमोस्ट 10 डेज हो रहा है और कॉफ कोल्ड साथ में हो रहा है। तो जो भी आपको सिम्टम्स, फीवर या हेडेक या कॉफ कोल्ड हो, आप इमीडिएटली सोचिए कि ये कोरोना है और आइसोलेट हो जाइए ताकि आपके घर के बाकी लोग बचे रहें। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट है कि आप इमीडिएटली सस्पेक्ट करिए और आइसोलेट हो जाइए। तीसरा, जो आप कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी है और रेमडेसिविर की कमी है, ऑक्सीजन की जरूरत खाली मॉडरेट टू सीवियर लोगों को है, तो
तो यस कमी है, बट वी हैव जो हमारे पास है हम उसी में काम कर सकते हैं ना. हम ऑक्सीजन को अनफॉर्चुनेटली हम मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे हैं, तो बेस्ट है कि हम बीमारी को प्रिवेंट करें ताकि हम इस पॉइंट पे ही ना आए कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़े. और रहा रेमडेसिविर, दिस इज नॉट अ मैजिक ड्रग, ये कोई जादुई दवाई नहीं है, बल्कि आज WHO ने तो इसको मना ही किया है देने के लिए. तो इस पे हमें इतना ज्यादा गौर नहीं देना चाहिए. हम लोग जो दवाइयों के पीछे उनको होर्डिंग कर रहे हैं, उनको बचा के रख रहे हैं, छुपा के रख रहे हैं, उनकी इतनी जरूरत नहीं है. जो जरूरत है कि हम अपना ध्यान रखें, अपने घर को ही आप कंटेनमेंट जोन बनाइए. आप गवर्नमेंट की लिए हम वेट ना करें कि वो लॉकडाउन करें, हम सबको लॉकडाउन करना चाहिए. इस बीमारी का स्प्रेड का यही एक है कि हम लोग जहां हैं वहीं रहे, बहुत ही जरूरी है तभी बाहर जाएं. डॉक्टर मैं बीच में आपको रोक रही हूँ, आपने एक बात कही कि WHO ने रेमडेसिविर के लिए मना किया है. एक तो लोगों ने स्टॉप कर लिया है और अभी भी अस्पतालों में रेमडेसिविर लगाया जा रहा है. हम देख रहे हैं कि थोक के भाव से अस्पतालों में रेमडेसिविर निकल रहा है. तो क्या जॉयडस के वेराफिन ने रेमडेसिविर की जगह ले ली है, या रेमडेसिविर नए म्यूटेंट्स को रोक पाने में सहायक नहीं है, वजह क्या है? ये है कि रेमडेसिविर इज एन एंटीवायरल एजेंट, मतलब वायरस को कम करता है. हाँ. बट वो सब लोगों में जरूरी नहीं है, और इसको घर पे तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते हैं, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं. तो यस, कुछ हॉस्पिटल्स में हम लोग दे रहे हैं, बट ये कोई जादुई दवाई नहीं है कि इसको मिल जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे. तो इसके पीछे हमें भागना नहीं चाहिए. जिसको जरूरत है, हाँ, जिसको जरूरत है वो हॉस्पिटल में दिया जाएगा. पर ये दवाई ऐसा नहीं है. बाकी हम दवाइयां घर में बोल रहे हैं कि हाँ ऑक्सीजन घर में दीजिए, बाकी दवाइयां घर में दे सकते हैं. ये एक ऐसी दवाई है जो घर में नहीं देनी चाहिए, मैं ये बोल रही हूँ. इससे ज्यादा हमें जोर नहीं लगाना चाहिए, बाकी चीजें ज्यादा जरूरी है. बिल्कुल, मैं समझ पा रही हूँ कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के वैसे भी नहीं छूना है इस दवाई को, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा हैं और हर बॉडी इस दवाई को क्या रिएक्ट करेगी डॉक्टर ही देख पाएंगे. बिल्कुल. तो इनके अलावा जैसे कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है नहीं, जब अस्पताल ट्वीट कर रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन नहीं है, लोग मर रहे हैं, तो घरों में लोगों को तो ऑक्सीजन क्या ही मिलेगा. और कालाबाजारी जो हो रही है, लोग वहां से अगर कहीं से बाई चांस 10 में से किसी दो को मिल भी जा रहा है तो जेब पर भारी पड़ रहा है. अस्पताल में बेड मिलने तक कोरोना पॉजिटिव जिन्हें सांस लेने में अब दिक्कत पेश आनी शुरू हो गई है, उनको कुछ बताएंगे आप कि वो कैसे सांस लेने के लिए अपनी अपने फेफड़ों को आसान कर सकते हैं या चीजें आसान कर सकते हैं अपने लिए? हाँ जी, हाँ जी. तो ऑक्सीजन में भी कुछ लोगों के मिस कम्युनिकेशन या आइडियाज गलत है. सी, सबके लिए जरूरी नहीं है कि आपका ऑक्सीजन लेवल 97-98 रहे. कई लोगों का ऑक्सीजन 95-96 वो बिल्कुल ठीक है. तो ये नहीं, जिसको जरूरत है ऑक्सीजन वो है जिनका ऑक्सीजन 90-89 उससे कम हो रहा है. तो बाकी लोगों को अगेन अगर सारे ऑक्सीजन लेने चलेंगे तो फिर जिनको बहुत जरूरी है उनके लिए तो नहीं बचेगा. तो एक पॉइंट ये है कि आप ऑक्सीजन जब जरूरत हो तभी लेंगे, विच मीन्स जब आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से कम हो, ठीक है. दूसरा, आप पेट पे अगर लेटेंगे आपका ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा फेफड़ों में, इसको हम अवेक प्रोनिंग कहते हैं. तो पेट पे लेटने से डेफिनेटली आपका ऑक्सीजन जो है वो लेवल इंक्रीज करेगा. एक पॉइंट और है, जिनको माइल्ड कोविड है अभी ऐसा सांस लेने में दिक्कत नहीं है, आप लोग प्राणायाम करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, ओपन विंडो के पास जाके गहरी गहरी सांस लीजिए. इस एक्सरसाइज से आपका जो मैं इसी पॉइंट पे आ रही थी. ऐसा हो रहा है कि जिन लोगों को मामूली सिम्टम भी आ रहे हैं, कई लोग तो ऐसे आप बेहतर जानती हैं जो डर गए हैं इतना कि वो झेल रहे हैं तकलीफें लेकिन टेस्ट नहीं करा रहे, और कईयों ने जिन्होंने टेस्ट कराया जिनका पॉजिटिव आ चुका है. ये सभी लोग, मैं दोनों ही कैटेगरी के लोगों की बात कर रही हूँ, अपने घर में एक कमरे में खुद को लॉक कर दे रहे हैं. ये लॉक करना है, दूसरों के संपर्क में नहीं आना, ये चीजें समझ में आ रही हैं. लेकिन खुली हवा आती रहे उस कमरे में, ये भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके लिए बाहर ऑक्सीजन नहीं है. आपको अगर घर में ही रहकर क्वारंटीन होना है तो ऑक्सीजन का ख्याल रखना पड़ेगा. डॉक्टर अनीता, कि जो माइल्ड है उनको पैनिक करने की जरूरत नहीं है. सारे केसेस सीरियस नहीं होंगे, ज्यादातर केसेस माइल्ड ही रहेंगे. बस पैनिक नहीं करना है. आप अपने एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, प्राणायाम करिए, पेट पे लेटिए. ये सब सिंपल चीजें हैं जो आप कर सकते हैं. एक और पॉइंट है कि जब फीवर हाई हो जाता है
ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन थोड़ा कम हो सकता है, तो ऐसी घबराने की बात नहीं है। आप फीवर को कम करिए, आप डोलो टैबलेट लीजिए, आप कोल्ड स्पंजिंग करिए, पूरे बॉडी पे स्पंजिंग करिए ताकि आपका फीवर कम हो जाए और आपको ऑक्सीजन अपने आप ही रिकवर कर जाएगा। तो पैनिक नहीं करना है, सबने पैनिक नहीं करना है, और अननेसेसरली आप ऑक्सीजन को कलेक्ट मत करिए, जिसको जरूरत ज्यादा है उसी को यूज करने दीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर रही हैं आप हमारे दर्शकों का। मैं एक बार फिर आपके पास लौट रही हूँ। सोनीपत का हाल जरा आइए जान लेते हैं, हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ गए। लाजपत, सोनीपत का क्या हाल है? जी बिल्कुल अनामिका, देखिए जिला सोनीपत दिल्ली एनसीआर के नजदीक होना और किसान आंदोलन जो दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं, जिन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि टेस्टिंग नहीं होने देंगे और ना करवाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि एक काफी बड़ा आंदोलन है, काफी वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं और आसपास के जो लोग व्यक्ति हैं, मतलब एक दूसरे से अटैचमेंट है बहुत ज्यादा, और मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, तो ऐसे में ये बीमारी पैर पसारती जा रही है। और दूसरा, औद्योगिक क्षेत्र होना, काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, जैसे बसें हैं प्राइवेट, वो भर भर कर अलग अलग स्टेट में जा रही है, यूपी, बिहार, अलग अलग राजस्थान, तो वो लोग जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, जिनकी टेस्टिंग ही नहीं होती, फैक्ट्री मालिकों की बड़ी लापरवाही है, फैक्ट्री मालिकों की लापरवाही, इसलिए कि छुट्टी जरूर दी जाती है या वो चोरी छुपे से भागते हैं, लेकिन उनकी टेस्टिंग जरूरी है, टेस्टिंग करवा कर ही उनको जाने दिया जाए, रखना जरूरी है, मास्क का इस्तेमाल जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग हर जगह की जो सरकार की गाइडलाइंस है उनका ध्यान दिया जाए, लेकिन यहाँ पर लोग लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। लोग लापरवाह वो जो बेवजह घर से निकलते हैं और अपने आप का सुरक्षित नहीं रखते। यहाँ पर काफी तरह के लोग जो है, शाम को जो एक भीड़ लगती है, 6 बजे का जो लॉकडाउन है उसके बाद फैक्ट्री की छुट्टी होती है, तो एकदम से भीड़ निकल कर आती है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं दिया जाता, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो यहाँ पर जो कॉलोनियां हैं, जो अवैध कॉलोनियां हैं, उनकी सबसे बड़ी बीमारी है कि छोटे छोटे कमरे हैं, उसी में नहाना खाना पीना रहना, तो ये जो कॉलोनियां हैं जिसमें ऑक्सीजन की बिल्कुल भी मात्रा नहीं दिखाई देती, यहाँ पर जो फैक्ट्रियां हैं उसमें ऑक्सीजन की जो दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो चारों तरफ से कवर किया जाता है, तो ये विभाग को काफी बड़ी चिंता है और विभाग को इन पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये अगर जो बीमारी पूर्ण तरीके से पैर पसारेगी तो अनामिका आप अंदाजा लगा सकते कितने ज्यादा मौतों के आंकड़े होंगे, क्योंकि जैसे आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन, खुली ऑक्सीजन भी लोगों को जरूरत है, लेकिन वो शुद्ध वातावरण की नहीं है, यहाँ उसमें गंदगियों के ढेर है, तो जो सामाजिक व्यक्ति हैं, गांव के जो व्यक्ति हैं, उनको अपने गांव में ना बीमारी आए, तो इसलिए उनको आगे आना चाहिए, प्रशासन से बातचीत करनी चाहिए, गांव की सफाई करवानी चाहिए, सैनिटाइज करवाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है, टेस्टिंग को बढ़ाया गया क्या? बहुत 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 छोटा सा सवाल संक्षेप में, टेस्टिंग बढ़ाया गया स्थानीय विभाग ने? जी बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कोरोना योद्धा है, वो लगातार अपने प्रयास में है कि लोगों की जान बचाई जाए, लेकिन लोग लापरवाह हैं। इन प्रयासों पर नजर दौड़ाते रहिए, मैं लौटकर जरूर आऊंगी। जगदीश प्रजापति से कालावली का हाल जान लेते हैं। जगदीश, कालावली की तबीयत कैसी है? कालावली में कोरोना है जो पूरे जोरों पर दिखाई दे रहा है। अगर सिरसा जिला की बात करें तो सिरसा जिला में कल 721 जो मामले नए आए हैं, 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर पूरे जिला स्तरीय बात करें तो सिरसा जिला में 480, डबरवाली में 42, ऐरनाबाद से 28, कालावली से 33 और ओंडा से 8, नवी चौपा से 36, माधो से गाना में 21, रानिया में 44, चौटाला में 15 और बड़ागुड़ा में दुकानों पर भी सोशल डिस्टेंस का जो प्रयोग है वह दिखाई नहीं दे रहा। अगर प्रशासन की बात की जाए तो कालावली प्रशासन, पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो बिल्कुल आके मुड़े हुआ है, लोगों को समझाने के बजाय जो थानों में बैठकर गप्पे मारने तक तुले हुए हैं। पर जिला प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की ओर से भले ही उपायुक्त मोदी की ओर से 144 धारा का प्रयोग किया गया हो, लेकिन लोगों पर धारा 144 का जो असर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग भी कुंभ पर नहीं चुका हुआ है। अगर कालावली के स्थलों की बात करें तो यहाँ तो ना तो ऑक्सीजन है, ना ही कोरोना पेशेंटों के लिए किस तरह के कोई प्रबंध दिखाई दे रहे हैं। जी नामिका, बहुत शुक्रिया जगदीश इस तमाम जानकारी के लिए। मैं सभी संवाददाताओं का धन्यवाद करती हूँ, ऐसे ही नजर बनाए रखिए और बहुत बेहतर काम कर रहे हैं आप लोग कोरोना से दो चार करते हुए, लड़ते हुए इस जंग को हम बहुत जल्दी जीत लेंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और यह महामारी का संकट, यह महासंकट जल्दी टलेगा, इसी उम्मीद के साथ लौट रहे हैं, लेकिन अपडेट के